कश्मीर मुद्दे पर इमरान खान का नया दाव, अब सिखों को मोहरा बनाने की तैयारी। नमस्कार, प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी खिसक रही सियासी जमी को बचाने के लिए अब नया दाव चला है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को अब सिखों को मोहरा बनाकर घेरने की योजना बनाई है। इमरान खान ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिख सम्मेलन की मेजबानी करने का निर्देश दिया है, जिसमें दुनिया भर के कम से कम 50 सिख विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान सिख विद्वानों से कश्मीर मसले को उठाने की अपील करेगा। ये सम्मेलन 31 अगस्त से 2 सितंबर 2019 तक लाहौर में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में भारत, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों के सिख विद्वान शामिल हो गए। आज की परिस्थितियों में बाबा गुरु नानक युग की प्रासंगिकता की थीम पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कम से कम 50 विद्वानों के लिए वीजा जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि भारत के कम से कम 11, अमेरिका, फ्रांस से 1-1, कनाडा से 7 और अन्य देश के सिख विद्वान सम्मेलन में भाग लेंगे। पंजाब प्रांत सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी मेहमानों को राज्य अतिथि मनाया जाएगा। अधिवेशन लाहौर में गवर्नर हाउस में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण मामलों के विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में श्री खान जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था तथा राज्य को 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इसके साथ ही कई राजनीतिक नेताओं समेत उलगावादी नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। पिछले सप्ताह इमरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा कश्मीर में किए जा रहे मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर झूठा प्रचार करने का प्रयास किया था। उल्लेख है कि इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, हम भारत की मीडिया को दावे सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि कुछ अन्य ने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि ये दावे अनुमान के आधार पर किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में मुस्लिमों पर किए जाने वाले अत्याचार से ध्यान हटाने के लिए इस एजेंट का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।